राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और आज मौसम चेंज हो गया है हमारे यहाँ। रात को थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी, 3-3.30 बजे के आसपास पहले आंधी आई, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी। बारिश तो हुई नहीं, आंधी बहुत ज़्यादा हुई थी। केकुर है रितिका, हुई थी नहीं, बहुत ज़्यादा आई थी। और अभी मुझे जाना है किसी काम से, तो बस थोड़ा बहुत जितना मुझे मेकअप शेकअप आता है वो कर लिया, तैयार हो लिए और अभी जाएंगे। उससे पहले ठाकुर साहब ले लेते हैं थोड़ी सी प्रोटीन, फिर इनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे। नो के देखो वो अपना आपने देखा लग जाओ है, अगले थमने देख रहे हैं, थम तो नू देखने लग जाओ। मैं किसा लग हूँ, सच्ची बात सुनिए, मैं तो किमे ना देखा ना, और जाने तो मैं शीशा दिखाऊं हूं, मन शीशा वर्गा दिखा जामी शीशा वर्गा दिखा है। तो अभी पहले पी लेते हैं चाय और फिर उसके बाद कल थोड़े से कपड़े धोए थे वो धूप में डालकर छोड़ूंगी। अभी धूप निकली है, नहीं तो सुबह से मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, थोड़ी सी देर के लिए धूप निकलती है फिर से बादल वाइज स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मैंने कपड़े बाहर डाले नहीं थे। तो अभी चाय हमारी आ गई है, आप सब पिया जी पीने के लिए। फालतू है कि रितिका थोड़ी बहुत है? फालतू है, फालतू है। आ जाना, तुमने भितरे बंद कर देंगी मैं, चश्मा लगा मैं चश्मा लगा ताला लगा तो चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं वापिस आने के बाद। आज फोन में साथ लेकर जाऊंगी। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और हम घर बस अभी आए हैं, और आते टाइम रास्ते में हमें मिल गया था ये चाकी वाला, तो इसे भी हम साथ लेकर आए थे कि थोड़ा सा तो बाजरे का आटा पिसवा लेते हैं और गेहूं का दलिया पिसवाएंगे भैंसों को डालने के लिए। कई दिन से रितिका के पापा खेत नहीं जा पा रहे हैं, 4-5 दिन पहले तो शादी थी उस चक्कर में नहीं जा पाए, और उसके बाद फिर इनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो इसी चक्कर में खेत जाना थोड़ा सा कम ही हो रहा है। जाते हैं तो घास वगैरह लेकर आते हैं, लाइट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने सोचा चलो ट्रैक्टर से ही पिसवा लेते हैं, नहीं तो हम दलिया वगैरह खेत से ही पीस कर लेकर आते हैं। अभी मैंने बस सबके लिए चाय बनाई है, आजकल बस चाय की ही मेहमान नवाजी रह गई है, और थोड़ा सा तो बाजरे का आटा पिसवाएंगे, बाकी का गेहूँ का दलिया पिसवाएंगे। बाजरे का आटा तो हम पीस कर लेकर आए थे खेत से, पर उसकी मैंने कल परसों रोटी बनाई थी तो वो कड़वा कड़वा सा हो गया, अभी हल्की हल्की गर्मी होने लगी है तो बस बाजरे का आटा ज़्यादा दिन नहीं चलता है, सर्दियों में तो फिर भी 10-15 दिन चल जाता है, गर्मियों में नहीं चलता है, गर्मियों में तो बस मुश्किल से 1 हफ्ता चलता है, उसके बाद तो रोटी खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, सर्दियों में थोड़े से ज़्यादा टाइम चल जाता है। वैसे गर्मियों में हम बाजरे का आटा बिल्कुल नहीं खाते हैं, कभी कभी कोई सब्जी बनती है जैसे कढ़ी हो गई या दाल हो गई, मन कर जाता है तब बना लेते हैं, नहीं तो गर्मियों में तो गेहूं की रोटी ही चलती है क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है, ये तो सर्दियों में ही खाया जाता है। सर्दियों में तो हम लगभग 1 टाइम बाजरे की और 1 टाइम गेहूं की ऐसे बनाते हैं, सुबह या शाम दोनों टाइम में 1 टाइम बाजरे की रोटी ज़रूर बनाते हैं। वैसे तो बाजरा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, पर गर्मियों में नहीं खाते हैं क्योंकि गर्मी में वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर कुछ गर्म खा लेते हो और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, काम मेरा सारा निपट गया था, और आज मैं बना रही हूँ इमली की खटाई। ये इमली खटाई ईशांत लेकर आया था 4-5 दिन पहले, इसको ब्रेड के पकोड़े खाने का मन था
तो ये खटाई और ब्रेड दोनों चीज़ लेकर आया था, पर मैं बना नहीं पाई तो ये रखी थी। अभी मैंने सरसों का तेल में थोड़ा सा जीरा डालकर और फिर इमली डाल दी, सिंपल सा तड़का लगाया है। और इमली में खटाई में उफान आने के बाद फिर मैंने डाल दिया गुड़। गुड़ को अच्छी तरह से पिघाल लेंगे, उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें मसाले। और मसालों में हम डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, आधी चम्मच काला नमक और आधी चम्मच सफ़ेद नमक। एक चम्मच मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। बस सिंपल से मसाले डालते हैं और ये खटाई खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे भी अभी होली आ गई है, होली पर तो खटाई ज़रूर बनती है हमारे यहाँ, तो मैं स्पेशली होली पर इमली की खटाई और दही बड़े बनाती हूँ। हमारे घर में दही बड़े सबको ज़्यादा पसंद है और होली पर स्पेशल बनते हैं। पर ये 4-5 दिन की खटाई रखी थी और बच्चे भी जिद कर रहे थे, तो मैंने आज बना ली है, होली पर फिर से बना लेंगे। वैसे थोड़ी सी ज़्यादा बना लेते हैं तो उठाकर भी रख लेते हैं। मैं हमेशा इमली की खटाई स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि दुकान की जो खटाई होती है वो खाना हम बहुत कम पसंद करते हैं। तो कुछ भी खाने में बनाते हैं या बाहर से भी लेकर आते हैं तो खटाई हम घर पर ही रखते हैं। मैं तो बनाकर रख लेती हूँ और ये 1 महीने आराम से चल जाती है। तो अभी खटाई तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। मसाले डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट और पका लिया है। तो अभी खटाई हमारी तैयार हो गई है और आप चाहें तो इसी टाइम पर चेक करके देख सकते हैं। और खटाई को तो ज़रूर चेक करके देखना चाहिए, अगर मीठी थोड़ी सी कम लगे तो थोड़ा सा मीठा और डाल दें, क्योंकि हमारी खटाई खट्टी मीठी होती है तभी खाने में अच्छी लगती है। और इसके साथ खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज मूंग दाल के और गोभी के पकौड़े। वैसे मैं गोभी के बनाने वाली थी पर बच्चों की फरमाइश हो गई अभी मूँग दाल के पकौड़े खाने की, तो फिर मैंने मूँग दाल को अच्छी तरह से धोकर मिक्सी में पीस लिया है। और उसके बाद फिर ये गरम पानी डाल दिया है, अच्छी तरह से पानी गरम करके वो डालकर दाल को रख दिया है एक तरफ। इससे हमारे इंस्टेंट पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे, नहीं तो हमें मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए पहले भिगो कर रखने पड़ते हैं। और अभी पकोड़े में डालने के लिए ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ, चारों मसालों को हल्का हल्का भून लिया है। तो ये हमारे पकोड़ों में डालने के लिए मसाले तैयार हो गए हैं। अभी गोभी के पकोड़े बनाने के लिए पहले गोभी को हल्का सा उबाल लेते हैं। तो ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डाल दिया था आधी चम्मच नमक। और अभी इसमें हम डाल देंगे गोभी। गोभी डालकर सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि 5 मिनट में ही हमारी गोभी आधी पक जाती है और हमें गोभी को सिर्फ आधा पकाना है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए अभी गोभी हमारी उबल गई है। अभी इसको मैं निकाल कर, थोड़ी सी ज़्यादा उबल गई थी तो मैं इसको निकाल कर तुरंत ठंडे पानी में डाल दूंगी। हम किसी भी चीज़ को उबालते हैं वो हमारी अगर थोड़ी सी ज़्यादा उबल जाती है, आलू हो गए या कुछ भी हम उबाल कर बनाते हैं, तो उसको उसी टाइम ठंडे पानी में डाल दें। ठंडे पानी में डालने से फिर उसकी जो कुकिंग का प्रोसेस होता है वो वहीं पर रुक जाता है। तो अभी गोभी को मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया है और अभी कर लेते हैं मसाले तैयार। तो मसालों में मैंने जो मसाले भून कर तैयार किए थे वो डाले हैं, आधे डाल दिए हैं, आधे मैंने मूंग दाल के पकौड़े में डालने के लिए रख लिए हैं। और इसमें सिंपली मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, क्योंकि बाकी के मसाले मैंने भून कर तैयार किए थे वो डाल लिए हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो मैंने सिलबट्टे पर पीस कर तैयार कर लिया था। ये सारे मसाले तैयार करके थोड़ा सा मैंने पानी डालकर घोल तैयार कर लिया है और उसमें फिर मैंने डाल दी है गोभी। अभी हम गोभी को पहले मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इससे ये हमारी गोभी में मसाले ऐसे लग जाएंगे कि फिर हम पकोड़े बनाएंगे तो फिर ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि गोभी में मसालों का टेस्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने पहले गोभी को मसालों में डुबोकर अच्छी तरह से 5-7 मिनट के लिए रख दिया है। अभी गोभी को तो हम निकाल देंगे और हमारे पास जो ये मसाले का थोड़ा सा पानी और बच जाएगा, इसमें हम बेसन डालकर बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। ऐसे हम गोभी के पकोड़े बनाते हैं ना, तो हमारे गोभी के पकोड़े बड़े ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, नहीं तो हम गोभी के पकोड़े बनाते हैं तो उसमें कहीं मसालों का टेस्ट आता है कहीं नहीं आता है। तो अभी जो मसाले मेरे पास बच गए थे, मसाले वाला पानी, उसी में थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर हम घोल तैयार कर लेंगे। और ज़्यादा पतला घोल नहीं तैयार करना है, हमें थिक सा घोल तैयार करना है। तो अभी बेसन को मैंने घोल लिया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी बहुत मिर्च नमक और डाल सकते हैं, पर मैंने पहले ही थोड़ा सा नमक मिर्च ठीक डाला था तो मैंने बस वही रखा है। अभी इसमें मैंने सारी गोभी डाल दी है और गोभी को और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करके तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म करके फिर थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और पकोड़े जब भी बनाएं, किसी भी चीज़ के बनाएं, गोभी के हो गए, मूंग दाल के हो गए या फिर आलू के हो गए, आँच को थोड़ा सा धीमा ही रखें, ज़्यादा तेज ना जलाएं, क्योंकि फिर हमारे पकोड़े एकदम बनकर तैयार हो जाते हैं
और पकोड़े बाहर से लाल हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो धीमी धीमी आँच पर ही पकोड़े बनाकर तैयार करें। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पर पकोड़े हमारे बड़े ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो मैं गोभी के पकोड़े 2 बार फ्राई करने वाली हूँ। तो अभी सारे पकोड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और अभी इनको हम एक बार और फ्राई कर लेते हैं तेल में। ऐसे हम पकोड़े बनाते हैं गोभी के, तो हमारे पकोड़े बहुत ही करारे करारे बनकर तैयार होते हैं। और इस टाइम पर चूल्हे में आँच थोड़ी सी तेज़ हो गई है, और चूल्हे में हम खाना बनाते हैं तो ऐसा ही होता है, एक लकड़ी कम कर लेते हैं तो आँच बिल्कुल धीमी हो जाती है, और एक लकड़ी एक्स्ट्रा लगा लेते हैं तो आँच तेज़ हो जाती है। बाद में मैंने आँच को धीमा कर लिया था। और लाइट की तो प्रॉब्लम हो जाती है, रात को कभी लाइट थोड़ी सी तेज़ रहती है, कभी मंदी रहती है, और जो मैं लाइट वगैरह वीडियो बनाने के लिए रखती थी वो अभी मेरी हो गई है ख़राब। तो इन सब चीज़ों के लिए तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आजकल वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, वीडियो थोड़ी सी काली बनती है रात को, और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लगभग मैं खाने में कुछ भी अलग बनाती हूँ तो रात को बनाती हूँ और अंधेरा हो ही जाता है। तो अभी गोभी के पकौड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, अभी मूँग दाल की ओर बना लेते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह से फूल गई थी, और गोभी के पकौड़े बनाने के बाद मेरे पास जो थोड़ा सा बेसन बचा था मैंने वो ले लिया है, और थोड़ा सा बेसन और डाल लिया है। बेसन ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल थोड़ा सा ही बेसन डालें। अभी बेसन और मूंग दाल को मिक्स करके जो मैंने मसाले भुने हुए रखे थे वो डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी है, और थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया। वैसे धनिया तो मैंने भुना हुआ डाला ही था, पर मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, धनिया भून कर भी डाल देती हूँ और बाद में मसालों के साथ फिर से धनिया डालती हूँ। तो अभी मसाले डालने के बाद झटपट मूंग दाल के पकोड़े और बनाकर तैयार कर लेते हैं, और ये बड़ा ही आसान तरीका है। वैसे हम दाल को भिगो कर रखते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और ऐसे भी हम बनाते हैं ना तो जैसे हम भिगो कर बनाते हैं वैसे ही बनकर तैयार होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि टेस्ट में कोई चेंज आ जाता है। अभी धीमी धीमी आँच पर हम ये पकौड़े भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और गोभी के पकौड़े बनाने में तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, और ये मूँग दाल के पकौड़े तो झटपट बनकर तैयार हो गए थे। तो अभी पकोड़े हमारे अच्छी तरह से सीख गए हैं, ये देखिए। तो अभी पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, मूंग दाल के और गोभी के पकोड़े हैं और खटाई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज मैंने थाली नहीं लगाई है, रितिका के पापा चले गए हैं बाहर घूमने के लिए, ईशांत अंदर चला गया था। चूल्हे के पास तो बस मैं और रितिका, हम दोनों माँ बेटी हैं। और स्पेशल लगा लीजिए या ये लगा लीजिए कि आज कुछ था ही नहीं थाली में लगाने के लिए, बस सिंपल पकोड़े और खटाई, यही डिनर रखा है मैंने, रोटी बनाई ही नहीं है। किसी का भी मन नहीं था, और वैसे भी पकोड़े और खटाई हो गई है तो फिर रोटियां कौन खाएगा। तो आज का तो यही डिनर है, अभी रितिका खाना खा लेती है और मैं तब तक जोत करके आऊँगी, और मेरा एक दो काम बाकी वो निपटाऊँगी। तो चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। जी अभी बज गए हैं 10, काम निपट गया है मेरा सारा। आज हमारी भैंस की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ठंड की शिकायत हो गई है, कल मौसम चेंज हो गया था, बारिश भी हुई थी थोड़ी थोड़ी, रात को हवा बड़ी तेज की चल रही थी। वैसे तो हम हमारी भैंसों को अंदर ही बांधते हैं, पर फिर भी थोड़ी सी ठंड की शिकायत हो गई है, तो उसके लिए हम देते हैं धूमनी। थोड़ी थोड़ी ठंड होती है तो उसके लिए धूमनी दे देते हैं, वही दिखा देती हूँ आप सबको, क्योंकि सबके यहाँ के अलग अलग तरीके होते हैं। ये देसी नुस्खा है और बड़ा ही कारगर नुस्खा है ये भैंसों के लिए। तो ये थोड़ी सी आँच तैयार कर ली है, और अभी इस पर डाल देते हैं ये चीनी, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन। बोरी का टुकड़ा भी तो लिया करें, और छोटा सा इस पर जो बिंदोले की बोरी होती है उसका टुकड़ा रखते हैं, पुरानी ऊंची है ना, बिल्कुल जैसे कि 12 महीने पुरानी हो जाती है ना, वो होनी चाहिए, नई बोरी का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। सुती तेज की वाह है दासी थी, भीतर ले जाके धरनी थी तुमने इस पर। सिलग तो गया, धुआं तो खूब उठ रहा है। है
ले। तो जी अभी बज गए हैं 10:30। बच्चे तो आज थोड़े से जल्दी सो गए थे, वैसे जल्दी तो नहीं सोए हैं, ये तो आपके टाइम पर ही सोए होंगे। मेरा काम आज थोड़ा सा लेट निपटा है, बस अभी सारा काम निपटा कर आई हूँ मैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, आज चले गए थे तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पूरा दिन हो गया। तो अभी बस मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आने लगी। नहीं तो इस टाइम पर थोड़ा बहुत मैं मेरा फ़ोन का काम निपटाती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट करना ये काम कर लेती हूँ, पर आज थक गए हैं और मेरी कमर में भी दर्द होने लगा है थोड़ा थोड़ा। यानी क्या बात है, आज कमर में दर्द की शिकायत हो गई है हल्की हल्की। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है कि सभी के घरों में ये सुनने को मिल जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें।